क्यों शेखर बेटा, पास हो गए? जी हाँ पुजारी जी, भगवान की कृपा से पास हो गया। हाँ बेटा, भगवान के इस दरबार से कोई निराश नहीं लौटता, जो मांगो मिल जाता है। सुनिए, आपने मुझे बुलाया? नहीं तो हाँ, मैं कह रहा था वो आप बहुत अच्छा गाती हैं। पुजारी जी, जब से आपकी बेटी लक्ष्मी और आप इस गांव में पधारे हैं, सारा गांव भक्ति संगीत में डूब गया। कितनी सुंदरता पाई है, क्या मीठा गला पाया है, कैसी भाग्यशाली है आपकी बेटी। लक्ष्मी नारायण के दर्शन कराया बेटा? हाँ माँ, और एक देवी के दर्शन भी। देवी? हाँ माँ, मंदिर में जो नए पुजारी जी आए हैं ना, उनकी बेटी लक्ष्मी बिल्कुल देवी है माँ। न बनाओ सिंगार, न आजकल की लड़कियों की तरह ऊटपटांग फैशन। ये तो मेरे प्रसाद बांटने का दिन है, तुझे कोई लड़की अच्छी तो लगी? मालकिन माजी, चट मगनी पट बिया, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन रामू दादा, खिलाऊंगा कहाँ से? लक्ष्मी भगवान है तो नौकरी भी मिल जाएगी। जरूर मिल जाएगी। लो रामू, प्रेजेंट। मिस्टर मेहता। यस सर। मिस्टर शेखर को इनका काम समझा दीजिए। वेरी गुड सर। आओ शेखर, लो रे, ये रही तुम्हारी टेबल। मेहता जी, आप ही की वजह से मुझे नौकरी मिली है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। बोलो, पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी नहीं, पार्टियां। मतलब? एक तो नौकरी की पार्टी। हाँ। दूसरी शादी की पार्टी। शादी की? वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। तुझ में हूँ मैं, मुझ में है तू, फूलों में बसी है जैसे खुशबू। तुझ में हूँ मैं, मुझ में है तू, फूलों में बसी है जैसे खुशबू। तुझ में हूँ मैं, मुझ में है तू, फूलों में बसी है जैसे खुशबू। ऐसी है मोहब्बत की बहारों के बिना, ऐ मेरे सनम जिंदगी मेरी, ऐसी है मोहब्बत की बहारों के बिना। तुझ में हूँ मैं, मुझ में है तू, फूलों में बसी है जैसे खुशबू।
से बाहरों का पता, काश के तुझे हो जाए कभी झूमते नजारों से बाहरों का पता। आँखों में हमारी गोरी आज तो रहे, आ जाओ जरा प्यार का नशा, आँखों में हमारी गोरी आज तो रहे। मुझ में हूँ मैं, मुझ में है तू, फूलों में बसी है जैसे खुशबू। प्यार मेरी वास टूटी न कभी, हाथ में है तेरे पिया मेरी आबरू। नजर ना लगे, दुल्हन की तरह सज गई है तू। देख लक्ष्मी, आना जरूर, तेरी सहेली की गोद भराई है। वाह मौसी, पद्मा की गोद भरी जाए और मैं ना हूं। वो भी यही कहती है, और कोई आए ना आए, लक्ष्मी जरूर आएगी। उसे तो मैंने पहले कह दिया है, और तुम भी सुन लो मौसी, पद्मा के मुन्ने को सबसे पहले मैं गोद में लूंगी। हाँ हाँ ले लेना, वो दिन तो आए। अच्छा चलो। अरे मौसी जलपान तो करती जाओ। अरे जलपान रहने दे, अभी तो मुझे कई जगह और जाना है, पद्मा की सारी सहेलियों को नेवता देना है। अच्छा चलती आओ। अरे आशा बहन यहाँ कैसे? पद्मा की गोद भराई है शेखर की माँ, लक्ष्मी को नेवता देने आई थी। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा जी। लक्ष्मी तुम्हारा नाम है? सचमुच तुम लक्ष्मी हो, तभी तो तुझे देखते ही मेरा शेखर। पुजारी जी हैं। कौन है बेटी? नमस्ते। आई 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 पधारिया, कहिए कैसे आना हुआ? पुजारी जी आपकी बेटी जितनी सुंदर है उतनी ही भाग्यशाली है। मेरा शेखर कब से काम ढूंढ रहा था, लक्ष्मी की परछाई पड़ते ही तुरंत नौकरी मिल गई। दोनों एक डोरी में बंध जाएं तो सुखी रहेंगे। क्षमा कीजिए, मेरी बात से आपको दुख क्यों पहुंचा? क्या कहीं और जुबान दे चुके हैं? समझ गई, लक्ष्मी आपकी लाडली बेटी है, शादी हो गई तो विदा भी करना पड़ेगा, यही चिंता है ना आपको? नहीं शेखर की माँ, लक्ष्मी लक्ष्मी विधवा है। विधवा? विधवा है तो उसमें उसका क्या दोष है? उसका दोष हो या उसके भाग्य का, मैं विधवा को अपनी बहू नहीं बना सकती। लेकिन क्यों माँ, वो भी तो लड़की है, जवान है, उसके भी तो सपने होंगे अरमान होंगे, वो भी तो जिंदा रहना चाहती होगी। तू जिन सपनों अरमानों की बात करता है वो सब पति की चिता में जल जाते हैं, विधवा को सपने देखने का कोई अधिकार नहीं। तुमने अभी बताया ना माँ कि वो बाल विधवा है। भगवान की यही इच्छा होगी। कैसा है तुम्हारा भगवान, गरीब को दिया कुछ नहीं और छीन लिया सब कुछ। जिस अभागन को भगवान ने कुछ नहीं दिया उसे तू देना चाहता है, है? मैं इंसान हूँ माँ, पत्थर नहीं। सुनो तो, हट जा मेरे रास्ते से, अब तू बड़ा हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। माँ मेरी बात तो सुनो। जब तक तू मेरी बात नहीं मानता
तू मेरी पसंद की बहू नहीं लाता, ना तेरी बात सुनूंगी, ना जल पीऊंगी, ना अन्न डालूंगी मुंह में। माँ, माँ, दरवाजा खोलो ना, माँ, दरवाजा खोलो।
जो अपनी चूड़ियां तोड़ चुकी हो दूसरे को चूड़ी नहीं पहना सकती। माँ तू चुप रह, भगवान बचाए तुझे इसकी परछाई से भी। मैं पूछती हूँ शुभ अवस्था में तू आई कैसे? तुम्हें तो बुलाया था मौसी। तब मैं अंधी थी, तुझे भाग्यशाली समझती थी। ये तो अभी अभी कुसुम बहन से मालूम हुआ कि तू विधवा है। सर क्या हिला रही है? अपने पिताजी से जाके पूछ, मेरी तरह शेखर की माँ को भी धोखा हुआ था। वो तुझे अपनी बहू बनाने के लिए आई थी और तेरी जान को रोके चली गई। कहती थी पद्मा के बच्चे को सबसे पहले मैं गोदी में लूंगी। बच्चा खिलाने की इतनी इच्छा है तो वैसा भाग भी लेके आती। पिताजी, जो कुछ पद्मा की माँ ने कहा है क्या वो सच है? क्यों मुझे छुपाया? मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं? किस दिल से बताता? अगर बता देते तो वो सब नहीं होता जो आज हुआ। क्या क्या नहीं कहा मौसी ने और क्या क्या नहीं सुना पड़ा मुझे। कब मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी, कब मेरा ब्याह हुआ था, कब? जब तू इतनी सी थी, गुड़िया जैसी, रिवाज अनुसार तभी तेरा ब्याह कर दिया। भगवान की लीला, उसने डोला तो नहीं दिखाया तेरा, अर्थी दिखा दी तेरे पति की। तुम मुझ अभागन को सीने से लगाए क्यों बैठे रहे? रख देते उसे चिता। लक्ष्मी, रिवाज अनुसार जब तक तू मेरी बात नहीं मानता, तू मेरी पसंद की बहू नहीं लाता, ना तेरी बात सुनूंगी, ना जल पूंगी, ना आने डालूंगी मुंह। माँ, दरवाजा खोलो। माँ, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तुम्हें जो भी लड़की पसंद है मुझे मंजूर है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आप कुछ कह रहे थे पिताजी? कहिए। क्या कहूं, ये क्या पहन लिया तुमने? यही तो मेरा असली रूप है पिताजी, इसी में मुझे समाज भी देखना चाहता है और भगवान भी। Thank you.
डाले। आगे राजी बिटिया, माँ रानी के पास बहुत सुंदर गुड़िया है। मेरी गुड़िया से सुंदर दुनिया में कोई गुड़िया नहीं। नहीं माँ, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। अच्छा, वो ऐसे ऐसे जलती है और क्वा क्वा करती है और ऐसे ऐसे देखती है मेरी बिटिया ओफो कमला, जब देखो राजी गोद में तुम्हारे ये लाड प्यार बिगाड़ देगा बच्ची को। बाबूजी आओ बेटे। बाबूजी, रानी के डैडी रोज उसके लिए कुछ लाते हैं। अच्छा, क्या क्या लाते हैं? मंकी, एलिफेंट, एरोप्लेन। राजी, रानी के डैडी बहुत अमीर हैं। ओफो, ये अमीरी गरीबी की बात अभी से इसकी कच्ची समझ में क्यों डालती हो? ये अमीरों से कहिए, अपने बच्चों पर इतने पैसे फूंकते हैं कि दूसरों के बच्चे बिला वजह गरीब समझने लगे अपने माँ बाप को। बाबूजी, अमीर क्या होता है? अमीर बेटी जिसकी ऐसी बीवी हो जैसी तुम्हारी माँ, जिसकी ऐसी बेटी हो जैसी तू, उसे अमीर कहते हैं। तो तुम अमीर हो? हाँ बेटा, बहुत बड़ा, बिरला टाटा से भी बड़ा। तो मेरे लिए वॉकी टॉकी गुड्डा ला। जरूर लाऊंगा। हाँ, जरूर लाऊंगा, आपका ये लाड़ प्यार बिगाड़ देगा बच्ची को। बाबूजी, रानी बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? उसको अपनी गुड़िया की सगाई करनी है, अच्छा गुड्डा ही नहीं मिलता। अच्छा, ये बात है, फिर तो जरूर लाएंगे उसकी गुड़िया, तुम्हारा गुड्डा। बाबूजी लेकिन पहले एक पप्पी। नहीं, ये माता है। फिर इधर। अरे तुम करोगे फिर माँ करेगी, फिर तुम करोगे फिर माँ करेगी, फिर तुम करोगे फिर माँ करेगी, फिर मैं तो थक जाऊंगी। अच्छा आओ कमला, दफ्तर नहीं जाना है आपको, चलो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन पहले पप्पी। हाँ हाँ पप्पी। पाओजी इधर, माँ इधर। अच्छा, अच्छा। आंखें बंद करो, रेडी, वन टू थ्री। जी, कैसी लड़की है ये? तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, मिलती है जिसकी नियत हो नेक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक। बस बस माँ, मैं तुमसे सुन सुन के तंग आ गई हूँ। वन टू थ्री। तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, मिलती है जिसकी नियत होने, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, मिलती है जिसकी नियत होने, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक। मिस्री से मीठी तेरी नजर है, हाँ हाँ मिस्री से मीठी तेरी नजर है, सबको लुभा ले ऐसा असर है, हाँ हाँ सबको लुभा ले ऐसा असर है, तू चैन दिल का घर का उजाला, तू मेरी जान है
मेरा जिगर है तुझ जैसी लाडली लाखों में एक मिलती है जिसकी नियत होने तुझ जैसी लाडली लाखों में एक गम को भुला दे तू ऐसा खिलौना हाँ हाँ गम को भुला दे तू ऐसा खिलौना मुकड़ा है तेरा कितना सलोना मुकड़ा है तेरा कितना सलोना तेरी दमक से किस्मत रोशन तू मेरे मन का सच्चा है सोना तुझ जैसी लाडली लाखों में एक मिलती है जिसकी नियत होने तुझ जैसी लाडली लाखों में एक रोते दिलों को तू ही हंसाए रोते दिलों को तू ही हंसाए तू भोलेपन से जब मुस्काए तू भोलेपन से जब मुस्काए मिलता है दिल को कितना सुकून तुझको गले से जो भी लगाए तुझ जैसी लाडली लाखों में एक मिलती है जिसकी नियत होने तुझ जैसी लाडली लाखों में एक ये बड़ा अन्याय है जो पहने से काम नहीं चलेगा मेहता जी क्या हुआ स्ट्राइक स्ट्राइक नहीं राशनिंग ही खत्म क्या हाँ सरकार कहती है इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है बहुत सा अनाज आ गया है मार्केट में अब राशनिंग की जरूरत नहीं पहली तारीख को पे बांटने के लिए ऑफिस फिर खुलेगा नोटिस के साथ साथ आप सब लोगों को 2 महीने के पे और दी जाएगी और उसके बाद यह ऑफिस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा बंद मैं कमला को क्या कहूंगा माँ को क्या जवाब दूंगा उनका दिल टूट जाएगा मुझे उनसे ये बात छुपानी पड़ेगी मुझे उनसे ये बात छुपानी पड़ेगी क्या कहा कुछ नहीं बाबूजी आज छुट्टी है हाँ बेटे अब तो छुट्टी ही छुट्टी है तो मुझे गुड्डा ला दो ना आज नहीं बेटे कल ले आऊंगा रोज कल 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 मुझे आज ही चाहिए अरे 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 मेरी छोटी मुन्नी रूठ गई अच्छा बाबा आज ही ले आएंगे बस प्रॉमिस प्रॉमिस अब हंसो हंसो क्या शेखर तू परेशान क्यों है बेटा नहीं तो माँ ये हंसी माँ को धोखा नहीं दे सकती बात क्या है कोई खास बात नहीं माँ यही कामकाज की वजह से परेशानी रहती है तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं माँ मेरे पास तो नहीं है बेटे काम क्या है नहीं वो कई दिनों से राजी गुड्डा मांग रही थी इसलिए खैर कोई बात नहीं मैं मालिक मालिक ये रख लीजिए ये क्या इतने पैसों में राजी बिटिया का गुड्डा आ जाएगा नहीं रामू तुम खामोख नहीं मालिक ये रख लीजिए और राजी बिटिया को गुड्डा ला दीजिए जब से मेरा मुन्ना घर से भाग गया है मेरे जीवन में राजी बिटिया के सिवा और कौन है निराश न हो रामू तुम्हारा मुन्ना कभी ना कभी मिल ही जाएगा कहां मिलेगा मालिक ढूंढ ढूंढ के थक गया भगवान जाने कहां होगा क्या करता होगा लगे कोई लाटरी
कोई जैक पॉट लगे लगे और लगे कोई लॉटरी लगे। लगे कोई लॉटरी कोई जैकपॉट लगे अपनी भी किस्मत की नाव किसी घाट लगे। लगे कोई लॉटरी कोई जैकपॉट लगे अपनी भी किस्मत की नाव किसी घाट लगे। लगे कोई लॉटरी चाल से जागे तकदीर ये कागज की लॉटरी बदले तस्वीर ये किस्मत जो साथ हो हर बाजी हाथ हो सारे दुख दर्द की टूटे जंजीर ये। घोड़ों की चाल से जागे तकदीर ये कागज की लॉटरी बदले तस्वीर ये किस्मत जो साथ हो हर बाजी हाथ हो सारे दुख दर्द की टूटे जंजीर ये। लगे ओ लगे लगे कोई लॉटरी कोई जैकपॉट लगे अपनी भी किस्मत की नाव किसी घाट लगे। लगे कोई लॉटरी कोई परी हो बसी निगाहों में साथ साथ जो चले बाहें डाले बाहों में नोट हो हरे हरे जेब में भरे भरे हर खुशी खरीद ले जिंदगी की राहों में। रूप की कोई परी हो बसी निगाहों में साथ साथ जो चले बाहें डाले बाहों में नोट हो हरे हरे जेब में भरे भरे हर खुशी खरीद ले जिंदगी की राहों में। लगे ओ लगे लगे कोई लॉटरी कोई जैकपॉट लगे अपनी भी किस्मत की नाव किसी घाट लगे। लगे कोई लॉटरी की धूम हो होटलों में डांस हो जिंदगी हो ऐश की प्यार हो रोमांस हो हर अदा में फोर्स हो हर जगह पे सोर्स हो हमें मिले लीडरी ऐसा कोई चांस हो। हाँ पार्टियों की धूम हो होटलों में डांस हो जिंदगी हो ऐश की प्यार हो रोमांस हो हर अदा में फोर्स हो हर जगह पे सोर्स हो हमें मिले लीडरी ऐसा कोई चांस हो। लगे ओ लगे लगे कोई लॉटरी कोई जैकपॉट लगे अपनी भी किस्मत की नाव किसी घाट लगे। लगे कोई लॉटरी कोई जैकपॉट लगे अपनी भी किस्मत की नाव किसी घाट लगे। लगे कोई लॉटरी तीन चार पाँच छः छः सौ आपको तरक्की मिली है क्या? राजी कहाँ राजी?
कैसा मान लो? क्या बकवास लगा रखी? क्यों मास्टर जी, इतने दिनों से रिहर्सल चल रही है और अभी तक इनके मूवमेंट बराबर नहीं हुए। ठीक हो जाए। क्या ठीक हो जाएंगे? शराब पियो। ठीक हो जाएंगे बॉस, मैं जी जान लगाकर पैसा खर्च कर रहा हूं, हुंडियों में पैसा लगा रहा हूं और अभी तक इनके एक्शन बराबर नहीं हुए। देखिए मास्टर जी, शो नाकाम हो जाएगा, पब्लिक शोर मचाएगी, सीटियां बजाएगी, पब्लिक तालियां बजाएगी, तालियां। जी हाँ। ए, किसको साथ ला? कौन है भिखारी? ये भिखारी नहीं, आर्टिस्ट है, बोलता लता मंगेशकर की आवाज में और गाता मोहम्मद रफी की आवाज में है। बहुत बड़ा कलाकार है बॉस। कलाकार ये? साहब एक बार मुझे मौका दीजिएगा, फिर देखिए मेरा कमाल। अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी कमाल देख लेंगे। थैंक यू बॉस। अच्छा जी, जरा मन लगाकर रिहर्सल करवाइए, समझे आप? जी जी, जी साहब। डांस ट्रूप के लिए मैनेजर की जरूरत। ताऊजी हमको भी सुनाओ ना। तुम क्या सुनोगी? जो तुम पढ़ रहे हो। हाँ बेटा, मैं देख रहा था तेरे इस गुड्डे को कहीं नौकरी मिल सकती है। ये सब क्या है? रात आप देर में आए इसलिए दिखा नहीं सकती। इतनी है क्या? कपड़े लाई माँ जी के लिए, राजी के लिए और आपके लिए। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, कम से कम मुझे तो पूछ लिया होता। पूछती तो अपने लिए कुछ लाने देते आप? क्या तरक्की के बाद यही कपड़े पहने दफ्तर जाएंगे आप? तरक्की तरक्की तरक्की। अरे एक मैनेजर की नौकरी के लिए इतने सारे लोग। काकू, है? क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं बॉस, शाम के प्रोग्राम की रिहर्सल कर रहा था। क्या बकता है बे? ये कोई रिहर्सल की जगह है? अंदर जाओ। ओके बॉस। भाई सुनिए, हमें यहाँ एक लेडी मैनेजर की जरूरत है, इसलिए आप लोग जा सकते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में लेडी मैनेजर का तो मेंशन नहीं था। भाई भूल हो सकती है, कह दिया ना लेडी मैनेजर चाहिए तो लेडी मैनेजर ही चाहिए। जाइए। उन्होंने मुझे बताया तक नहीं कि उनकी नौकरी नहीं। रामू क्या हुआ? मालिक मालकिन ने नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया मतलब कमला ने नोटिस पढ़ लिया? नोटिस क्या मालिक? रामू कमला ने नौकरी से तुम्हें निकाल दिया और सरकार ने मुझे। जी लेकिन ये तुम्हारा घर है, तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। एक काम करो, कुछ दिनों के लिए तुम गांव हो आओ, तब तक भगवान ने चाह तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा माँ तुम्हें सर्दी लग गई है, तुम आराम करो, बाबूजी के सारे कपड़े मैं धो देती हूँ। नहीं बेच रहे। आ गए, काम बना,
कर्ज भी नहीं मिला। तो परेशान क्यों होते हैं? ये चूड़ियां जो है, ये क्या कर रही हो कमला? नहीं, ये क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारा जिस्म क्यों गर्म है? बुखार है क्या कमला? कमला, माँ, कमला, क्या है बेटा? बहू, बहू, कमला, इसे क्या हुआ माँ? बेहोश हो गई है, क्या बताऊँ बेटा? दिन रात परेशान रहती है तेरे लिए, इस घर के लिए। कुछ दिनों से बुखार रहने लगा था, मैंने तुझसे कहना चाहा तो कसम दे दी कि तू और परेशान होगा। बहू, ये ले बेटा, जल्दी लेके जाओ, जाने क्या बीमारी लग गई है मेरी बहू को। नहीं माँ, नहीं। ये जेवर कब काम आएंगे? भगवान तुझे जब इस काबिल करे छुड़ा लेना। ले बेटा, जाओ जाओ ना। इसी का डर था क्या डॉक्टर? कैंसर। दे दे। ओहो, क्या मेरी किस्मत है दीदी, घर घुसते के साथ तुम्हारे दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है दीदी। ओहो, इतने दिनों के बाद आज दीदी की कैसी याद आई? देखो दीदी, जब जब माँ की याद आती है ना, तुम्हें देखने चला आता हूँ। अब फिर आजकल तो तुम बिल्कुल माँ की तरह लगने लगी हो। वही सुंदर आंखें, वही देवी जैसे मुस्कान, वही तुम्हारा ये। कितने रुपए चाहिए? दे दे। क्या तुम मुझे इतना मतलब ही समझती हो? देखो रज्जी, आज तक मैं तुम्हारी जितनी सहायता कर सकती थी करती रही, अब मुझसे उम्मीद न रखना। ठीक है दीदी, ठीक है। जब दो दो कौड़ी के आदमी मेरी गर्दन पकड़ेंगे ना, मेरी एक एक चीज नीलाम होगी, मुझे जेल हो जाएगी, तो मेरी जमानत देने के लिए कहोगी ना? अब ये नाटक बंद करो। क्या शेर छुट्टी पे गया है? आएगा तो पूछूंगी तुम्हारे लिए क्या कर सकता। ओहो दीदी, ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा? कितनी अच्छी हो तुम। एक चीज बताऊं, तुम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो। बहू, ये तो बच्ची है, तू भी बच्ची बन गई इसके साथ। माँ जी, मैं जाने आज क्यों बच्ची बनने को जी चाहा। जान कहाँ है तुझमें? जितनी है इसी के काम आ जाए। बेटा जा, बेटा रानी तेरा इंतजार कर रही है, जा। देखो दीदी, मुनीम जी आ रहे हैं। ये देखो आ गए। नमस्ते रानी जी। अरे ठहरो मुनीम जी, पूछो ना दीदी। मुनीम जी, इस वक्त अपने पास कितना कैश है? कैश इस वक्त तो कुछ नहीं रानी दीदी। अच्छा तुम जाओ। सुना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। क्या दीदी, ये बात अगर पहले बता देती तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेता। खैर अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा दीदी, मैं जरा फोन करके आता हूँ। अच्छा। भगवान बन गए मेरे लिए। इस वक्त तुम ना आते तो भगवान किसी और को भेज देता। वो जिसे बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता।
फिर भी तुम्हारा ये उपकार। उपकार क्या, नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ, इत्तेफाक से इधर से गुजर रहा था। क्या तुम्हारे पास काम नहीं? जी नहीं, बेकार हूँ। अच्छा, कल कोठे पर आकर मिलो। एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? बाद में सुनाऊंगा। बाद में कब? अभी सुना दीजिए ना। कमला, मुझे नौकरी मिल गई है। सच? हाँ, चार्ज लेने के लिए बुलाया गया हूँ। जल्दी आइएगा, मैं राह देखूंगी आपकी। उपकार मैंने नहीं किया बेटे, उपकार तो तुमने किया है, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली। स्टेट का काम कोई आसान नहीं होता। आपका आशीर्वाद रहा तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। जी नहीं, वो अच्छे वक्त पर आ गए। हमारे नए मैनेजर से मिलो। ये? हाँ, इन्होंने मेरी जान बचाई। बहुत बहुत मेहरबानी आपके मैनेजर साहब, आपने हमारी दीदी की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। सूरत आपकी जानी पहचानी मालूम पड़ रही, शायद आप मेरे पास नौकरी की तलाश में आए थे, नहीं? जी हाँ, लेकिन आपको तो लेडी मैनेजर की जरूरत थी, मिल गई। लेडी मैनेजर? दीदी ये काम। रेनु दीदी आ रही है, ये देखिए तार आया है। शेखर तार देखो। ट्रेन आने का वक्त हो गया है शायद। स्टेशन चले जाओ और उसे लेकर आओ। बस यही हो गया। मैं किस लिए हूं? मेरी भांजी, मैं जाऊंगा ले आऊंगा। नहीं, तुम बैठो। जाओ शेखर, गाड़ी लेकर चले जाना। मैं अपने ड्राइवर को बुला रही हूँ। आपका नाम रेणु देवी है? हाँ जी। मेरा नाम शेखर है, आपकी मम्मी ने मुझे भेजा है, मैं आपकी स्टेट का नया मैनेजर हूँ। ओह, तो आप हैं नया मैनेजर, आइए। हाँ। कमला, मुझे नौकरी मिल गई, मैंने चार्ज भी ले लिया है। कमला सुना? कमला, हाँ, 500 रुपया महीने की नौकरी, अब स्पेशल इलाज होगा तेरा। मैं दुनिया भर के डॉक्टरों को जमा करूंगा, कीमती से कीमती दवाइयां ले आऊंगा, फिर देखता हूँ मौत तुम्हें मेरी बाहों से कैसे छीनती है। कमला, 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 बहुत मजा आया। देखा, मेरा गुड्डा राजा, तेरी गुड्डी रानी। हाँ, एक और बारात। अरे बाऊजी, ये किसकी बारात है? एक की अर्थी एक की डोली, कौन ये खेल रचाए? देख
सके तो देख तू मालिक, हमसे न देखा जाए। यहाँ कैसे आ गए? शॉक पहुंचा है, सेंस ऑफ डायरेक्शन भी ठीक नहीं, आवाज इधर से आए वो समझती है इधर से आए। डॉक्टर नॉर्मल तो हो जाएगी ना? हो सकती है, अगर वो किसी को मां के रूप में देखने लगे, कोई उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दे। मैं अपनी माँ को नहीं पहचान सकती बेटी।
भगवान के यहाँ जाकर जो वापस आता है, भगवान उसकी शक्ल बदल देते हैं। वो पत्थर बनके भी आ सकता है। पत्थर? हाँ, और पौधा बनकर भी। पौधा बनके भी? हाँ बेटी। रामू दादा, मेरी माँ नहीं आएगी क्या? अरे कौन कहता है कि तुम्हारी माँ नहीं आएगी, हमारे बिट्टू की माँ जरूर आएगी, जरूर आएगी। बिट्टू, तुमने वो छुक छुक गाड़ी देखी है ना? हाँ? वो जिस स्टेशन से चलती है घूम फिर के वहीं आती है। अच्छा। हाँ मेरे बिट्टू। हाँ। जहाँ से गई है ना वहीं वापस आएंगे। माँ जहाँ से गई है वहीं वापस आएगी? सब झूठ, यहीं से तो गई थी, फिर क्यों नहीं आई? जिसको वो चाहता है अग्निरथ भेजकर बुला लेता है। अग्निरथ पर भगवान ने भेजा था? बेटी, भगवान के यहाँ जाकर जो वापस आता है, भगवान उसकी शक्ल बदल देते हैं। वो पत्थर बनके भी आ सकता है। माँ पौधा बनके भी आ सकती है? कोई बात नहीं, चलो पौधा बन के ही सही। तुम आ गई हो मेरे लिए इतना ही बस। माँ मैं रोज भगवान की पूजा किया करती थी और कहती थी मेरी माँ को वापस भेज दो। आज इतने दिनों के बाद भगवान ने मेरी बात मान ली। अच्छा माँ मुझको पुकारो उसी तरह, मेरी राजी, मेरी राजी, मेरी गुड़िया, पुकारो ना मुझे, मेरा नाम लेको, पुकारो ना राजी कहकर पुकारो। देखो माँ, मैं तीन तक गिनूंगी, इस बीच राजी कहकर ना पुकारा तो मैं अपना सर फोड़ दूंगी। रेडी? 1, 2। राजी। माँ, आज कितने दिनों के बाद तुमने मुझे पुकारा है, फिर से पुकारो माँ, फिर से पुकारो। मेरी गुड़िया राजी। माँ ऐसे प्यार से मुझे कोई नहीं पुकारता, ना रामू दादा ना दादी माँ। अपना जाना माँ, मैं छोटी हूँ ना। तभी तो मैं आ गई हूँ बेटी। तुम बड़ी अच्छी हो माँ, अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। मेरी बात मानेगी ना? हाँ माँ। देख अब तू घर जा, सब लोग ढूंढ रहे होंगे। और सुन, किसी से कहना मत कि तू माँ से मिली थी। क्यों माँ? नहीं तो भगवान मुझे नहीं आने देंगे। अच्छा माँ, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी, कल मिलोगी ना? हाँ हाँ मिलूंगी। थैंक यू भगवान, थैंक यू, तुमने माँ को भेज दिया, तुम कितने अच्छे हो। राजी बिटिया, देखो कितने सारे खिलौने हैं। बॉल, हाथी, घोड़ा, एरोप्लेन, बस। थैंक यू रामू दादा, थैंक यू, थैंक यू। बिटिया, थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू अपने बाबूजी को बोलो। बाबूजी, बाबूजी तो राक्षस हैं, राक्षस। अरे अरे नहीं बिटिया, नहीं बिटिया, नहीं नहीं बिटिया, ऐसा नहीं करते। राजी। बाबूजी। अपने
तो दुनिया को जला दो, आग लगा दो, जला दो, जला दो, जला दो, दुनिया यही दुनिया है तो दुनिया को जला दो। हर सपना जले, अरमान जले, इंसान जले, भगवान जले, हर सपना जले, अरमान जले, इंसान जले, भगवान जले, शमशान बना दो, जला दो, जला दो, जला दो, दुनिया यही दुनिया है तो दुनिया को जला दो, आग लगा दो, जला दो, जला दो। आसान है जलना भी, आसान जलाना भी, है काश तुझे आता संसार बसाना भी। आसान है जलना भी, आसान जलाना भी, है काश तुझे आता संसार बसाना भी। आसान है जलना भी, क्यों पी गया घबरा के जहर इतना तू नफरत का, थोड़ा सा मिला लेता अमृत भी मोहब्बत का, तस्कीन भी मिल जाती जीने का बहाना भी। आसान है जलना भी, आसान जलाना भी, है काश तुझे आता संसार बसाना भी। आसान है जलना भी। एक रोज यही सहरा था चबन थी, कितनी खुशी थे कितने मगन। एक रोज यही सहरा था चमन थी, कितनी खुशी थे कितने मगन। क्यों रूठ गए मुझसे वो दिल कोई तो बता दो, जला दो, जला दो, जला दो, दुनिया यही दुनिया है तो दुनिया को जला दो, आग लगा दो, जला दो, जला दो। आसान है जलना भी, आसान जलाना भी, है काश तुझे आता संसार बसाना भी। आसान है जलना भी, आसान जलाना भी, है काश तुझे आता
संसार बसाना भी आसान है जलना भी। ये आश्क कभी दिल में तूफान उठाएंगे, जो रूठ गए तुझसे वो लौट भी आएंगे। है खेल मुकद्दर था बिछड़ों को मिलाना भी, आसान है जलना भी, आसान जलाना भी। ऐ काश तुझे आता संसार बसाना भी, आसान है जलना भी, आसान जलाना भी। मैनेजर साहब, आपको यहाँ क्या करना है? शायद मम्मी ने ठीक से समझाया नहीं। शायद उन्होंने सोचा होगा आप आ रही हैं, तो आप ही समझा देंगी। तो आइए समझा दूं। पहले मैं ये स्टेट का काम खत्म कर दूं, फिर। ओह नो, ये स्टेट खत्म हो जाएगा लेकिन इसका काम कभी खत्म नहीं होगा। आइए चलिए। अच्छा, आप सोच क्या रहे हैं, चलिए ना। उठिए, कितना खुशकिस्मत पाप है वो। किसी खास दल की सदस्य तो नहीं हो, धूप में चल रही हो? क्यों, पदयात्रा कर रही हो? चलो जहां जाना है वहां चलो, पहुंचा दूंगा आराम से। निर्लज्ज। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? फेरे तीन पूरे हो गए, सात पूरे हो जाएंगे तो फिर हाथ पकड़ लेना। अरे ये हाथ बांधने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए। कौन सा हुआ? हाँ, क्या वरना उसे बता देते। बदमाश, चल रखूंगा। राजी, क्या माँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों, आज तुम देर से क्यों आई हो?
आज मैं जरा सो गई थी। माँ तुम्हें नींद आ जाती है? पहले तो नहीं आती थी, जब से तू सपनों में आने लगी है मैं खूब सोती हूँ। पर मुझे नींद नहीं आती माँ। क्यों? आए भी कैसे, तुम मेरे पास थी, लोरी गाती थी, याद है मैं कैसे सो जाती थी? दादी माँ लोरी नहीं गाती? गाती तो है पर। पर क्या? सारा मोहल्ला जाग उठता है। अच्छा, फिर मुझे दादी माँ को लोरी गाकर सुलाना पड़ता है। तू अब गा भी लेती है? हाँ माँ, सुनोगी? हाँ सुनाओ। तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, मिलती है जिसकी नियत हो नेक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक। सच ही तो है, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक। वाह राजी, तू तो बहुत अच्छा गाती है, कितनी मीठी है तेरी आवाज। जानती हो माँ ये मीठी कैसे हो गई? कैसे? तुम्हारे हाथ की खीर खा खा कर। माँ तुम्हारे हाथ की खीर खाए बहुत दिन हो गया, बनाकर खिलाओगी? बड़ा मन करता है। हाँ बेटे खिलाऊंगी, जरूर खिलाऊंगी। राजी बहुत देर हो गई है, अब तू जा बेटे, जा।
बच्चे, आज तक हाउस कभी इतना भरा भी नहीं था, ना ही कभी इतने टिकते बिके और ना ही कभी इतना माल इकट्ठा हुआ, सब तेरी वजह से बेटे। पापे तुसी भी तो ग्रेट हो, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मीर चंदानी की खोपड़ी घूम गई होगी। अरे बड़ी मीर चंदानी की ऐसी की तैसी, आया था मेरे पास पैसे मांगने, मैंने सारा का सारा नुकसान बता दिया। नहीं बड़ी गाली भी तो दी। अरे मैं मारता हूँ उस कमबख्त को, तूने आगे बीचों बचा दिया। करेक्ट करेक्ट। हाँ बेटे वो जो दे मिस्टर, ये सारा पैसा यही रहने दो। बड़ी ये सारा पैसा मेरा है, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। इंस्पेक्टर साहब, मीर चंदानी साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अरे बड़ी मीर चंदानी सेठ झूठ बोलता है, मगर ये एग्रीमेंट तो झूठ नहीं बोलता। कोई भगवान का खौफ करो, एक मागा लूटा, बड़ी मारा लूटा। देखिए मिस्टर रंजीत, बेहतर यही है कि मीर चंदानी सेठ के साथ आप यही फैसला कर ले, वरना कोर्ट में आपको बहुत तकलीफ होगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं आप, मैं आपकी बात टाल सकता हूँ? मैं इनकार करूंगा तब तो। वो क्या देख रहा है सेठ जी के हिसाब से? सेठ जी हिसाब क्या सेटल करूं, पूरे 11,000 रुपए है। ठीक है, सूद डाल के 11,200 रुपया बनता है। 11,000 ये पैसा किधर रखता है? तो छोड़ो नहीं, ये लो एग्रीमेंट खड्डे में डालो। चलो इंस्पेक्टर, इतना बड़ा शो हुआ, इतनी इनकम हुई, शो कामयाब भी हुआ, लेकिन फायदा क्या हुआ? सारा मक्खन तो बड़ी मीर चंदानी का बच्चा ले गया। अब ये पब्लिसिटी का खर्चा, छपाई का बिल, हॉल का भाड़ा, म्यूनसिपैलिटी का टैक्स कौन चुकाएगा? कहाँ से कर्जा निकालूंगा मैं? पैसा कहाँ से आएगा? नया शो कैसा होगा? कुछ सोचिए बस। हाँ मैं दीदी के पास जाता हूँ। मुझे कोर्ट में चलने की जरूरत पड़ेगी? जी नहीं, मैंने मेडिकल ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन की थी, मैजिस्ट्रेट साहब खुद यहाँ आ रहे हैं। दीदी इस वक्त तो तुम्हें अपने भाई से बात करने की फुर्सत नहीं है। रेनू कहाँ है? अपने कमरे में होगी। अच्छा मैं मिल के आता हूँ। शेखर मैं जानती हूँ ना तुम उसे पसंद करते हो ना रेनू। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो बेटे मुझे तुमसे कुछ ऐसी बातें करनी है जो इसके सामने नहीं कर सकती। बैठो। अब तुम्हारी बच्ची कैसी है, कुछ समझी? जी अभी नहीं, शायद समझ जाए। डॉक्टर का कहना है राजी अपनी माँ को भूल सकती है अगर वो किसी और को माँ के रूप में देखे। ओह माय गॉड, आप लोग अभी तक फैसला नहीं कर पाए कि मम्मी कोर्ट में जाएंगी या मजिस्ट्रेट यहाँ आएंगे। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? रंजीत तो तुम्हें मिलने तुम्हारे कमरे में गया था। मेरे कमरे में? लेकिन वो तो वहाँ नहीं आए मम्मी। फिर कहाँ गया? Thank you.
माय गॉड जी, आपको क्या हो गया है? जी कुछ नहीं, खास कुछ नहीं हुआ। ये देख लीजिए, इसमें से कुछ गया तो नहीं? गया भी तो क्या, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यही मेरे लिए सब कुछ है बेटे, ये लो। जी मैं? हाँ, आज से ये भी तुम्हें संभालो। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, वो शेखर का बच्चा, मैं उससे बदला लूंगा, उसका खून पी जाऊंगा, मैं उसे गोली से मार दूंगा। हे भगवान, तुम्हारी ये लीला मेरी समझ में नहीं आती। वो धागा बहुत कच्चा है जिससे तुमने मुझे और राजी को बांध दिया है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ एक मासूम नन्ही सी जान की खुशी के लिए कर रही हूँ, इसमें मेरा अपना कोई भी स्वार्थ नहीं। मैं तो इतना भी नहीं जानती कि वो कौन है, किसकी बच्ची है। भगवान डरती हूँ कहीं उसे ये पता चल गया कि मैं उसकी कोई नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। मुझे तो सब कुछ सहने की आदत पड़ गई है। पहनने वाली तो नहीं रही माँ, फिर भी इन्हें छुड़ा लाया हूँ, राजी के काम आएंगे। चोर राजी, ये माँ का है, मैं इसे नहीं दूंगी, ये जला देगा। बाबू जी को ऐसा नहीं कहते बेटे। अरे माँ, तू मेरे लिए खीर बना लाए? हाँ बेटी, खा के देख कैसी है खीर। बड़ा मजा आ गया। पहचानो किसकी है? पहचान लिए, पहचान लिए। तू फिर पहनो ना। मैं? नहीं नहीं, मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये सब चीजें तू घर ले जा, जहां से लाई है वहीं संभाल कर रख दे। जा, नहीं तो मैं लूट जाऊंगी। भगवान, माँ की चूड़ियों का ये डब्बा यहाँ क्यों रखा है तुम जानते हो ना? फिर भी एक बात कह देती हूँ, जैसे तुमने मेरी माँ को चुरा लिया था ना, वैसे इन्हें मत चुरा लेना, समझे? राजी, दादी माँ कहाँ चली गई थी बेटी? हाँ कहाँ रही इतनी देर? माँ के पास। माँ के पास? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं रोज जाती हूँ माँ के पास, वो रोज मुझसे मिलती है। कहाँ है तेरी माँ? कहाँ है? खैर ये नहीं बताऊँ। अच्छा अच्छा, कुछ खा ले और सो जा। मैं खा चुकी। खा चुकी? हाँ, माँ ने बड़ी मीठी खीर खिलाई मुझे। शेखर लो दूध पी लो। राजी ने दूध पी लिया माँ? हाँ। क्या कर रही है, सो गई? सो तो गई लेकिन बहुत ही डर की बात है बेटा। क्या माँ? वो कहीं चोरी चोरी जाती है, किसी औरत से मिलती है जो उसे कहती है मैं तेरी माँ हूँ। चोरी चोरी जाती है? हाँ। किसी औरत से मिलती है? हाँ बेटे। कौन हो सकती है? आज उसने खीर भी खिलाई, मेरा तो कलेजा हिल रहा है, भगवान जाने वो कौन है। तुम घबराओ नहीं माँ, मैं देखता हूँ कौन बन गई है मेरी बच्ची की माँ। बेबी, तुम तो शेखर की लड़की है ना, कहाँ जा रही हो? माँ से मिलने। माँ से मिलने? तुम्हारी माँ तो मर गई है, अब वो कभी नहीं आएगी। आएगी,
मैं रोज उससे मिलने जाती हूँ, वो रोज मुझसे मिलने आती है। पागल हो गई है, जो मर जाते हैं वो कभी नहीं आते। मेरी माँ आती है, वो रोज मुझसे मिलती है। माँ! लक्ष्मी जी। पिताजी कहाँ जा रहे हो बेटी? जी मैं पानी लेने जा रही हूँ। अरे कल रात इतना बुखार था। मामूली सा बुखार था पिताजी, मैं यूँ पानी लेके आई। नहीं चलो अंदर चलो। लेकिन मेरे जाना बहुत जरूरी है। जरूरी क्या मतलब? जी बात। चलो आराम करो। चलो
को लुभाने ऐसा सर है तू चैन दिल का घर को डाला तू मेरी जान है मेरा जिगर है तुझ जैसी लाडली लाखों में मिलती है किसी की नियत होने तुझ जैसी लाडली लाखों में मुखड़ा है तेरा कितना सलोना हाँ हाँ मुखड़ा है तेरा कितना सलोना तेरी चमक से किस्मत रोशन तू मेरे मन का सच्चा है सोना तुझ जैसी लाडली लाखों में एक मिलती है किसी की नियत होने तुझ जैसी लाडली रोते दिलों को तू ही हंसाए रोते दिलों को तू ही हंसाए से जब मुस्काए तू भोले पन से जब मुस्काए मिलता है दिल को इतना सुकून तुझको गले से जो भी लगाए तुझ जैसी लाडली लाखों में मिलती है किसी की नियत होने तुझ जैसी लाडली मां तुम बनी हो वो रोज तुम्हारे पास आती है तुमसे मिलती है भगवान जानता है मुझे मुझे मालूम नहीं था कि ये आपकी बच्ची है वो यही एक दिन कुछ कहने की जरूरत नहीं सब किस्मत का खेल है उसी ने मिलाया है और अलग कर दिया और आज फिर मिला दिया नहीं ये मिलना मुमकिन नहीं लेकिन इसको कैसे रोकोगी तुम जो तुम्हें अपनी माँ समझती है जिसको तुमने अपनी बेटी मानी आप इसे ले जाइए लक्ष्मी अगर राजी को मालूम पड़ गया कि तुम उसकी माँ नहीं हो न जाने वो चुप रहिए मैंने तुम्हें पाना चाहा न पा सका राजी के भाग अच्छे हैं उसने तुम्हें पा लिया मैं इसे क्या दे सकती हूँ मेरे पास है ही क्या कुछ भी तो नहीं दुनिया ने तुम्हारी मांग से सिंदूर निकाल दिया लेकिन दिल से ममता नहीं निकाल सकी लक्ष्मी राजी को तुम्हारी ममता चाहिए उसका दिल मत तोड़ना बहुत दिनों बाद उसे मां की गोद मिली है मैं उसे हाथ लगाऊंगा तो जाग जाएगी और चिल्लाना शुरू कर देगी चलो तुम ही उसे घर तक पहुंचा दो नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती लोग क्या कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे क्या एक मासूम बच्ची पर दया करना पाप है बेटा देखो राजी अपनी मां को ले आई है
कहा? नमस्ते माँ जी, तुम लक्ष्मी हो ना? जी, मैं इसे कहाँ सुलाऊं? वहां सुला दो। ठहरो, पहले मैं बाहर चला जाऊं, अगर ये जा गई और मुझे देख लिया तो। बहुत बहुत धन्यवाद, अब तुम जा सकती हो। ये ढोंग रहने दो, तुमने राजे के साथ ये नाटक क्यों रचाया है? शेखर के लिए ना? माँ जी, एक घर उजाड़ चुकी है, मैं परछाई भी न पड़ने दूंगी तेरी इस घर पर, समझी? लक्ष्मी, क्या हुआ? पिताजी, 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 तुम मुझे गलत क्यों समझते हो पिताजी? हे भगवान, कितना तेज बुखार है। शेखर राजे बिटिया का इलाज अब पूरी तरह होना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को बुला के ले आ बेटा। ये किसी ऐसे वैसे डॉक्टर से अच्छी नहीं होने वाली। माँ, माँ, माँ। लक्ष्मी, राजी तो अच्छी है ना? राजी बहुत बीमार है, जब से तुम आई हो ना उसने कुछ खाया है न पिया है, न पल भर के लिए बुखार उतरा है। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, दवा दी? दवा दुआ सब कर चुका हूँ, अब तुम ही उसकी जान बचा सकती हो, बेहोशी में भी वो तुम्हारा ही नाम लेती है। भगवान उसकी रक्षा करे, मेरी उम्र भी उसे लग जाए। भगवान भी तभी उसकी रक्षा करेगा लक्ष्मी, जब तुम चलकर उसके सर पे हाथ रख दोगी। मैं बहुत अभागन हूँ शेखर बाबू, मेरी परछाई भी उस घर में नहीं पड़नी चाहिए। मेरा घर वो तो पहले ही उजड़ चुका है, एक राजी है, तुम चाहो तो उसकी जान बच सकती है। मेरी मजबूरी पर तरस खाइए, मुझे और मजबूर न कीजिए, मैं चलना भी चाहूं तो। ये ढोंग रहने दो, तुमने ये नाटक क्यों रचाया है? शेखर के लिए ना? वो एक घर उजाड़ चुकी है, मैं उसकी परछाई भी न पड़ने दूंगी अपने घर पर। नहीं, मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं चल सकती। लक्ष्मी, माँ ने ही मुझे भेजा है, उसी ने तुमको बुलाया। माँ ने भेजा है? हाँ लक्ष्मी, माँ ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए, जल्दी चलिए, राजी रो रही होगी। लक्ष्मी, तुम नहीं जा सकती। पुजारी जी, मैं तुम अंदर जाओ। सुना नहीं तुमने? तुम्हारी मां ने अपने घर में इसका अपमान किया, मेरे घर में आकर इसका दिल दुखाया, अब और क्या चाहते हो जो उसे बुलाने आए हो? पुजारी जी, दोष मां का है, उसकी सजा मेरी निर्दोष बच्ची को मत दीजिए। शेखर बाबू, लक्ष्मी तुम्हारी बच्ची के लिए अब केवल प्रार्थना कर सकती है और कुछ नहीं। राजी, राजी,
आवाज है माँ। बेटा राजी कहीं चली गई। कहाँ चली गई? भगवान जाने। तुम भी क्या करती हो माँ, जरा सी देर भी एक बीमार बच्चे के पास नहीं बैठ सकती। मैं भगवान की पूजा कर रही थी। तुम्हारी पूजा, तुम्हारा भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसको पूछूं, कहाँ ढूंढूं उसे? क्या बात है माली, तुमने राजी को देखा? नहीं तो क्यों? राजी चली गई। हाय भगवान। माँ से मिलना है ना? आजा चल 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 चल, तुझे माँ से मिलाएंगे, चॉकलेट खिलाएंगे, लॉलीपॉप खिलाएंगे। क्या कर रही है बेटा? गाना सुनेगी? बेबी को मम्मी से प्यार है। यहाँ माँ वहां कोई नहीं है, सिर्फ बाप ही बाप है, समझी? इस बच्चे को अंदर ले जाओ। यस बॉस। ए काकू, इधर आ, इधर। वो रानी दीदी के यहां नया मैनेजर आया है ना, शेखर, उसके हाथ में लेटर दे देना और देख, लेटर सीधा उसके हाथ में जाना चाहिए और किसी के हाथ में नहीं। ओके बॉस। आ गया। गाड़ी में राजी को कोई लाया है यहाँ? अगर आपको ऐसा लगता है तो अंदर जाकर देख लीजिए। जाइए 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 जाइए, जाकर देखिए। राजी, राजी। सुनिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। चिल्ला बॉस, ये यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारी बेवकूफी से इडियट, तुम कोई काम खबरदारी से तो करते नहीं हो। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, समझा कुछ? हमें सबको लेकर जल्दी से खूनी पहाड़ी पे पहुंचना होगा। वो शेखर का बच्चा ये मार लेकर वहीं आएगा।
हाँ, अच्छा तो तुम आ गए। माल कहाँ है? राजी कहाँ है? माल लो, पहले माल लो। जानती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। अच्छा, तो अब पता चला मेरे लिए तुम दोनों माँ बेटी के पास कुछ भी नहीं था और उसके लिए सब कुछ। खबरदार, अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो इसे मैं गोली मार दूंगा। बाबूजी,
अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। पिस्तौल नीचे। आ गए आप लोग। चलिए बहुत एहसान तुम। एहसान काय का बाबूजी, ये तो इसका फर्ज था। ये तो मेरा खोया हुआ बेटा काकू है। काकू? काकू? ये काकू है? चलो अच्छा हुआ राम, तुम्हें तुम्हारा काकू मिल गया और मुझे मेरी राजी। मेरी बच्ची राजी। फुलो सुखी रहो। बहन जी, आपने ये बहुत अच्छा किया। हाँ पुजारी जी, दिल तोड़ने से रिवाज तोड़ना अच्छा है।